डब्बेदार, रॉकेटदार, खड़े सब्बल, जो इस टाइप की डिजाइन आती है, अच्छा, ये सब मिक्स में मिल जाएंगे आपको। 8 रुपए की एक गिरेंगे, 800 रुपए 100। अच्छा अच्छा, ये दो ता वाला है, 4500 रुपए की आपको 4500 100 आ जाएगा। और 9 रुपए टाइगर वाली, टाइगर प्रिंट है। अच्छा, ये 9 रुपए वाली करती है, 9 रुपए पर पीस। ये देखिए प्रिंटेड पतंग है, इसको महाकाल के नाम से। देखिए दोस्तों, डोंगा पतंग है, नागोबा पतंग बोलते हैं इसको। ये खींचने के लिए अच्छी पतंग रहती है। तो अपने पास भवरे कंचे भी है, देखिए दोस्तों इस तरीके से। ये जो बच्चों के आइटम है, ये कितने के मिल जाते हैं भैया भवरे? ये आपको 52 रुपए का पैकेट है, ये 7 रुपए बिकता है, रस्सी के साथ में 10 रुपए का बिकता है ये। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रुद्राक्ष, और आज इस वीडियो में दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं पतंग का होलसेल मार्केट। दोस्तों सामने में आ रही है संक्रांत, और ऐसे में दोस्तों पतंग की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज दोस्तों मैं आपको नागपुर का इतवारी मार्केट में आज पतंग का शॉप का पूरा रिव्यू देने वाला हूँ कि किस तरीके से आप कितने रुपये से ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, और क्या क्या आइटम जो है यहाँ पर आपको इस शॉप में मिलेगा। पतंग की होलसेल दुकान है ये दोस्तों। सबसे पहले आप ये गली देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए, ये इतवारी का खापरीपुरा वाली गली, बाटा कंपनी के जस्ट पीछे में आता है ये। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ दोस्तों ये साउजी पतंग वाले के पास में। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इनके पास ये है पूरा पतंग का रील वगैरह, चक्री वगैरह सब कुछ। और अभी आपको एक एक चीज़ें अभी इन डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये देखिए भैया, ये है यहाँ के ओनर। तो सर अपना कितने सालों से ये शॉप चल रहा है? मेरा 50-55 साल हो गए। 50-55 सालों से ये काम चल रहा है। तो ये बिजनेस अगर किसी को करना है तो कितने रुपये से स्टार्ट हो सकता है ये बिजनेस? 1000-2000 में हो सकता है। सिर्फ 1000-2000 रुपए का माल घर पर लेके भी ये सेल किया जा सकता है ना पतंग का? तो जैसे कि अभी संक्रांत सामने में ये, तो अच्छा खासा डिमांड होगा अभी इसका। हाँ, अभी तो डिमांड है ना, लगभग डबल का मार्जिन हो सकता होगा, मतलब सारे पतंगों में, है ना? सीजन में डबल का मार्जिन आराम से हो सकता है 50%। तो दोस्तों देख सकते हो आप, 50% मार्जिन आपको मिल जाएगा यहाँ पर। अभी आपको एक एक पतंग की वैरायटी वगैरह सब कुछ बताने वाले हैं, बने रहिए वीडियो में। तो क्या नाम है भैया अपना? मेरा नाम है सागर। अच्छा, क्या बताने वाले हो अभी, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? ये 2.5 रुपए से स्टार्टिंग है। 2.5 रुपए से स्टार्ट है ना? 250 रुपए 100 है, आपको 2.5 रुपए की एक गिरती है, आप 4 रुपए 3 रुपए बेच सकते हो। 2.5 रुपए की एक गिरती है, 250 रुपए के 100 पीस। अच्छा, ये देखिए दोस्तों 2.5 रुपए की एक, तो ये बिकेगी कितने की? ये आपको 4 रुपए की बिकेगी, 4 रुपए में बिक जाएगी ये वाली पतंग। ये कलर आते हैं इसमें, ये सारे कलर्स है ना इसमें। हाँ। ये देखिए दोस्तों, ये सारे इसमें कलर्स है, ये देखिए पूरे कलर्स आ जाएंगे, चॉकलेट कलर है। अच्छा, सब कलर मिक्स, बहुत सारे कलर आ जाते हैं ना इसमें। अच्छा, दूसरा बताइए। फिर इसके बाद में आएंगी, ये एक वेरायटी है मार्बल पतंग बोलते हैं इसको। ये मार्बल पतंग होगी? हाँ। अच्छा, ये भी 250 रुपए 100 है, ये भी 2.5 रुपए की एक गिरेंगे आपको। ये भी 2.5 रुपए की एक गिरेंगे, 250 रुपए में 100 पीस आ जाएंगे। 100 पीस आ जाएंगे। अच्छा, तो किसी को अगर कम माल लेना है, जैसा 50 पीस लेना है, 20 पीस लेना है, तो मिल जाएगा? मिल जाएगा, 50 पीस 100 पीस मिल जाता है, जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद में ये व्हाइट वाली आती है, गोलेदार पतंग बोलते हैं इसको, नागोबा पतंग। ये आपको 3 रुपए की एक गिरेंगी, 300 रुपए 100। 300 रुपए 100? अच्छा, 3 रुपए की, 3 रुपए की। कौन सी पतंग बोलते हैं इसको? ये अपनी जर्मन ताव है, गोलेदार, नागोबा पतंग बोलते हैं। नागोबा पतंग है दोस्तों, ये देखिए, तो जबरदस्त इसका ये होता है ना। हाँ, ताव अच्छा होता है इसका, अच्छा होता है। ये देखिए दोस्तों, ये आपको 3 रुपए की एक गिरेंगी, 3 रुपए की, 5 रुपए की एक बिकती है मार्केट में। अच्छा, 3 रुपए किलो, 5 रुपए की बेचो दोस्तों, तो लगभग आपको 2 रुपए मार्जिन यहाँ पर मिल जाएगा। और इसमें एक डिजाइन वाली आएंगी इस टाइप में, ये भी आपको 3 रुपए की एक गिरेंगी, इसको पतलेदार बोलते हैं। पतलेदार पतंग है? हाँ, ये 3 रुपए की एक, ये 3 रुपए की एक गिरेंगी। अच्छा, ये मार्केट में 5 रुपए की एक बिकती है, ये 5 रुपए की एक बिक जाएगी ये वाली भी? ये वाली। अच्छा, जबरदस्त भी है। ये देखिए इस तरीके से दोस्तों बहुत सारा आइटम यहाँ पर मिल जाता है आपको। हाँ, ये मार्बल में बड़ा साइज मिलेगा आपको, ये 3.5 रुपए की एक गिरेंगी, ये 3.5 रुपए की एक, ये मार्बल है, ये मार्बल पतंग है, अच्छी पतंग है। अच्छा, इसका ताव जाड़ा रहता है, ताव जाड़ा रहता है, मतलब आसानी से नहीं फटेंगे? नहीं फटता है ना। तो ये देखिए, ये भी 5 रुपए की, 6 रुपए की बेच सकते हो आप आराम से, 5-6 रुपए की बेच सकते हो इसको आराम से, मतलब 2 रुपए मार्जिन इस पे भी। हाँ। उसके बाद में ये व्हाइट वाली गोलेदार आएंगे, इसका तुक्का बड़ा रहता है, इसका तुक्का बड़ा रहता है क्या? हाँ, ये तुक्का बोलते हैं इसको, इसको तुक्का बोलते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये बड़ा रहता है इसका। हाँ, ये भी बड़ा रहता है, ये आपको 3.5 रुपए की एक गिरेंगी, 3.5 रुपए की एक गिरेंगी। हाँ। अच्छा, ये भी मार्केट में 6-7 रुपए की बिकती है, 6-7 रुपए में बिक जाती है आराम से, आराम से, मतलब डबल ट्रिपल मार्जिन हो जाता है। हाँ, इसमें है ना, डबल ट्रिपल। ये देखिए दोस्तों, हाँ, उसके बाद में ये चील पतंग बोलते हैं, ये धागे वाली पतंग है, जो ये बिगर धागे वाली हो गई। अच्छा अच्छा, इसके साइड में रिप में दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ से ये धागा लगा हुआ रहता है, ये फट्टी नहीं जल्दी, ये फट्टी नहीं है ना जल्दी, धागे की वजह से, धागे की वजह से फट्टी नहीं। अच्छा, ये आपको आएंगी 450 रुपए 100, 4.5 रुपए की एक। अच्छा, 450 रुपए के 100 पीस आएंगे, 4.5 रुपए की एक है दोस्तों। और जो प्रिंट है ना, ये अलग अलग प्रिंट आएंगी इस टाइप में। अच्छा, ये अलग अलग प्रिंट्स आते हैं ना इसमें, ये हार्ड वाली हो गई। देखिए दोस्तों, इस तरीके से जबरदस्त प्रिंट्स आएंगे, देखिए यहाँ पर इस टाइप की प्रिंट्स आती है अलग अलग। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से बहुत सारी वैरायटी है भैया के पास, आपको अलग अलग डिजाइन, बहुत सारे वैरायटी के मिल जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद में ये वाली आएंगी,
450 सौ ये भी, ये 450 के 100 आएंगे दोस्तों। इसको डोंगा पतंग बोलते हैं। गोंगा डोंगा 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 पतंग, ये देखिए दोस्तों डोंगा पतंग है, नागोबा पतंग बोलते हैं इसको। ये खींचने के लिए अच्छी पतंग रहती है। अच्छा, खींच करने के लिए, खींचने के लिए जैसे अगर अपन दूसरी पतंग को काटने जा रहे हैं तो खींचते हैं, अच्छी पतंग रहती है उसके लिए, सबसे अच्छी रहती है। स्पेशल पतंग शेप देखिए दोस्तों, स्पेशल पतंग बोलते हैं, स्पेशल पतंग। अच्छा, ये कितने की पड़ेंगी? ये भी 4.5 रुपए की एक गिरेगी। 4.5 रुपए की एक गिरेगी। 8 रुपए बिकती है। 8 रुपए बिक जाती है ये। अच्छा अच्छा, देखिए दोस्तों डबल मार्जिन है इसके ऊपर में, आप आराम से घर में कुछ पीसेस रखकर इसको सेल कर सकते हो, तो बढ़िया आपका ये सीजन में बिजनेस हो जाता है। ये आपको 5 रुपए की एक गिरेगी। ये 5 रुपए की एक गिरेगी। हाँ, ये रंगीन पतंग है, ऐसी इस टाइप की डिजाइन, अलग अलग डिजाइन रहती है, अलग अलग डिजाइन रहती है, पूरे मिक्स में, पूरे मल्टी में मिल जाएंगे आपको। अच्छा, इस टाइप के पतलेदार हो गए, सब अलग अलग डिजाइन मिल जाएंगे। अच्छा, ये आपको 5 रुपए की एक गिरेगी। 5 रुपए की एक गिरेगी ना। हाँ, अच्छा, उसके बाद में ये मटका बोलते हैं, मटका पतंग अंडा वाला। अच्छा, ये मटका पतंग है। हाँ, ये आपको 4 रुपए का एक गिर जाएगा। 4 रुपए का एक गिरेगा। हाँ, अच्छा, ये 7 रुपए बिकता है मार्केट में आराम से। ये 7 रुपए बिक जाता। हाँ, है ना, आराम से बिकता है। देखिए दोस्तों मटका पतंग बोलते हैं इसको, मटका पतंग। और इसमें व्हाइट ही कलर आएगा, बस गोला व्हाइट कलर पूरा। अच्छा, ये पूरा व्हाइट ही आएगा। पूरा व्हाइट ही आएगा। देखिए दोस्तों ये पूरा व्हाइट कलर में आता है, ये देखिए। तो जबरदस्त पतंग है ये भी, है ना। ये कितने में बिक जाती है वो? कौन थी? ये 7 रुपए बिक जाती है। अच्छा, ये देखिए। हाँ, ये आपको 7 रुपए की एक गिरेगी। ये 7 रुपए की एक, ये बड़ी वाली पतंग है। हाँ। अच्छा, ये कितने में बिक जाती है? ये 10 रुपए आराम से बिकती थी। 10 रुपए आराम से बिक जाती है ना। इसमें भी मल्टी कलर्स आ जाएंगे इस टाइप के। अच्छा, पूरे ये देखिए दोस्तों, इसमें पूरे मल्टी कलर्स आ जाएंगे इस टाइप के। ये देखिए भैया, पूरे पूरे मल्टी कलर, पूरे मिक्स में पतलेदार हो गए, अलग अलग डिजाइन हो गई। अच्छा, ये प्रिंटेड पतंग है, इसको महाकाल के नाम से जाना जाता है। ये देखिए दोस्तों महाकाल वाली पतंग है, ये कितने की मिलेंगी? ये आपको 7 रुपए की। 7 रुपए की। अच्छा, 7 रुपए की एक। और कितने के सवा जाएंगे? मतलब 700 रुपए सवा जाएंगे। 700 रुपए की। और कितने में बिक जाती है भैया? कौन थी? 10 रुपए बिक जाती है। हाँ, ये 5.5 वाली है। अच्छा, ये भी खिचकाच करने के लिए अच्छी पतंग है। अच्छा, ये कितने में बिक जाती है? ये कौन थी? ये 8 रुपए बिकती है। ये 8 बिक जाती है। 5 वाली 8 में बिक जाती है दोस्तों, देखिए इस तरीके से। ये 9 रुपए टाइगर वाली, टाइगर प्रिंट है। अच्छा, ये 9 रुपए वाली करती है। 9 रुपए पर पीस। ये देखिए दोस्तों बड़ा पतंग है ये, एकदम जबरदस्त। ये 15 रुपए बिकती है आराम से। अच्छा, 9 वाली पतंग 15 में बिक जाती है आराम से। इसमें 3-4 डिजाइन आएंगे। तीन चार डिजाइन इसमें, डब्बेदार, रॉकेटदार, खड़े सब्बल, जो इस टाइप की डिजाइन आती है। अच्छा, ये सब मिक्स में मिल जाएंगे आपको। 8 रुपए की एक गिरेंगी। 800 रुपए 100। अच्छा, और ये कितने बिक जाती है? ये 15 रुपए बिकती है। 15 रुपए बिक जाती है आराम से। ओके, और उसके बाद में ये बड़े पतंग आएंगे, 12 रुपए गिरती है। ये 12 रुपए की बड़ी पतंग आती है। हाँ, ये 20 रुपए बिकती है। ये 20 रुपए बिक जाती है दोस्तों इस तरीके से। इसमें भी आपको कलर्स वगैरह मिल जाते हैं, सब अलग अलग पैटर्न मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। ये अंडा पतंग आएगा, 15 रुपए। ये अंडा पतंग बोलते हैं इसको दोस्तों। ये 25 रुपए बिकता है। अच्छा, 15 की आएगी, 25 में बिकेंगी दोस्तों। ये देखिए अंडा पतंग है। हाँ, जबरदस्त भैया। हाँ, फिर उसके बाद में ये 2 ताव का है, इसमें 1 ताव भी है, अभी अवेलेबल नहीं है वो सैंपल, नहीं तो दिखा रहता। अच्छा, ये 2 ताव वाला है, 4500 रुपए की आपको, 4500 आ जाएगा। 4500 के 100 आ जाएंगे। हाँ, अच्छा, एक पतंग कितने की पड़ती है? 45 रुपए। 45 रुपए की एक पतंग। इस टाइप की डिजाइन आती है, ये देखिए इस तरीके से इसमें डिजाइन आती है दोस्तों। ये बहुत बड़ा पतंग है, अगर आप देख सकते हो इसको कैमरे में, दो ताव ये बड़ा पतंग है। 2 ताव बोलते हैं ना इसको। हाँ, इसमें 1 ताव भी आती है। और ये 45 रुपए की एक है दोस्तों। बिकती कितने की? ये 100 रुपए की बिकती है, कोई 80 की बेचता है। 100 रुपए 80 रुपए की पतंग दोस्तों, ये आराम से मिल जाती है। मतलब लगभग 40-50 रुपए आपको एक पतंग पर मार्जिन मिल जाता है। तो जबरदस्त तरीके से दोस्तों ये बड़ी वाली पतंग है। ये देखिए आगे है बरेली, जो 4 तार बोलते हैं, ये 6 रील की चक्री है। बताइए भैया, ये आपको आएंगी 580 रुपए की। इसमें 6000 मीटर, 580 की है दोस्तों ये, 6000 मीटर मान जाएगा इसमें, है ना। 580 रुपए की रील आएंगी। कितने की बिक जाएगी फिर लगभग? ये आप खुला बेच सकते हो, कोई 5 रुपए का एक पट्टा बेचता है, 2 कलर है इसमें। अच्छा, इसको मतलब आप थोड़ा थोड़ा धागा दोस्तों, वो पट्टा बोलते हैं उसको, आपको पता होगा। हाँ, जो लोग बिजनेस करते हैं तो वो ऐसा राउंड करके बेचते हैं। ये बेच सकते हैं, तो खुला भी बेच सकते हैं। तो ये पूरा रील अगर बेचने गए तो कितने का बिक जाता है? ये पूरा बिकता है अपना 850, कोई 900, 950 रुपए बेचता है। मतलब लगभग 300-350 रुपए के आसपास इसमें मार्जिन पड़ता है एक रील में। तो ये मांझा कौन सा है भैया? ये 4 तार बरेली का है अपना, बरेली वाला मांझा है ना। नायलॉन वगैरह नहीं है? नायलॉन नहीं है, नायलॉन टोटली बैन कर दिया हमने। नायलॉन बैन है दोस्तों, तो नायलॉन की प्लीज डिमांड ना करें आप। ये इस टाइप में आती है, ये 3000 मीटर मांझा। इसमें ये बरेली मांझा है, बरेली मांझा। ये भी कितना है? ये आप 300 रुपए की पीस गिरती है आपको। अच्छा, ये 450-850 रुपए बेच सकते हो आप। अच्छा, 850 तक बेच सकते हो दोस्तों आराम से, क्योंकि अच्छा, इसमें 6 रील है। 6 रील है उसमें? इसमें 3 रील है, इसमें 6 रील है। अच्छा, इसमें 6 रील था, इसमें 3 रील था। ओके। ये 700 मीटर वाली आएंगी, 100 रुपए की चक्री। 700 मीटर 100 रुपए की चक्री। इसमें भी मंजा भरा हुआ है। अच्छा, कितने में बिक जाती है?
ये वाली 150 रूपए बिकती है। हाँ। और ये 200 रूपए बिकती है। ये 200 में बिक जाती है। ये 120 रूपए गिरती है आपको। अच्छा, ये हमको 120 की गिरती है, 200 में बिक जाती है। हाँ। फिर उसके बाद में ये नवतार मांझा बोलते जो ऊंचा मांझा है, ये एक रील का चक्री है, ये 220 रूपए की चक्री है। अच्छा, ये 350-400 रूपए में आराम बिक सकती है आराम से। अच्छा, 200 की चक्री 450 रूपए में बिक जाएगी। 200 आराम से बिक जाती है इस तरीके से। 200-250 रूपए मार्जिन मिल जाता है भैया एक ही चक्री पे। ये नवतार की 3 रील की चक्री है, ये आपको 450-850-900 रूपए बेच सकते हो आप आराम। अच्छा, कितने की पड़ती है हमको ये? आपको 450 रूपए की एक गिरती है। 450 की पड़ेगी दोस्तों होलसेल में आपको। ये देखिए, इसमें सब अलग अलग वेरायटी है, 16 तार 12 तार। ये देखिए 16 तार 12 तार, इस तरीके से वेरायटी आ जाएंगी। ये 12 तार वाली है। ये देखिए दोस्तों, ये जबरदस्त, ये चक्री 12 तार वाली है। ये 12 तार वाली है, ये आपको 320 रूपए की एक गिरती है। 650 रूपए आराम से बेच सकते हो। 650 रूपए में बेच सकते हो। 600-650 आराम से बिकती है। कितने मीटर आ जाता है? इसमें 900 मीटर की एक रील है। 900 मीटर की एक रील आ जाएगी। सबसे ऊंचा मांझा हो गया। सबसे ऊंचा मांझा है तो जबरदस्त तेज होता है क्या? हाँ, सबसे बड़ा तेज है ना। ये 16 तार वाला है, इसमें भी एक ही रील है। हाँ। ये आपको 350 रूपए की एक गिरती है। अच्छा, 750 रूपए बेच सकते हो। इसमें भी एक ही रील है। 350 की 750 में बेच डाल सकते हो आराम से। बेच सकते। अच्छा। हो क्योंकि ये सबसे उच्च, इससे भी ऊंचा ये मांझा है। 16 तार। अच्छा, ये 16 तार है। ये नायलॉन को काटने वाला मांझा है। अच्छा, इस बार ये नायलॉन को भी काट सकता है। देखिए दोस्तों, ये नायलॉन को भी काटने वाला मांझा है। इस तरीके की चीज नहीं देखी होगी भैया आपने कभी। ये देखिए भैया, सबसे ऊंचा मांझा ये, सबसे ऊंचा मांझा है ना दोस्तों। हाँ। मांझा ही है, लेकिन ये मांझा ऐसा बोला जा रहा है भैया की तरफ से कि ये नायलॉन को भी काट सकता है। तो ये देखिए दोस्तों, जबरदस्त ये मोटा मांझा है। अच्छा, मोटा मांझा है ना ये। ये देखिए दोस्तों, नायलॉन को भी काट सकता है ये, पूरा रफ आया है। तो ये कितने की मिलेंगी बोले आपने? ये आपको 350 रूपए की एक गिरेंगी। 650-750 रूपए बिकती है। अच्छा, डबल का मार्जिन इसमें भी आपको मिल जाएगा। हाँ। दोस्तों, तो इस तरीके के सारे रील्स मिल जाएंगे। और रील में भी भैया ऐसा कुछ मतलब अपने पास कंडीशन नहीं है ना कि ज्यादा माल खरीदना होगा, जितना चाहिए उतना आपको मिल जाएगा, है ना? जितना चाहिए दोस्तों उतना माल आप लेकर जा सकते हो आराम से। आपको धागा रखकर बेचना है, ये मांझा रखकर बेचना है, तो आप मांझे के रील के साथ में पतंग का कुछ माल जो है यहाँ पर आप अपने शॉप में रख सकते हो। शॉप नहीं है तो दोस्तों आप घर में भी इसको सेल कर सकते हो आराम से। ये चीज बिक जाती है क्योंकि सीजन है, अभी सीजनेबल ये बिजनेस है दोस्तों। ये छोटी पतंग ही है जो डेकोरेट के लिए, कोई डेकोरेट के लिए लेके जाता है, कोई तिड़वा रहता है, किसी की लूट रहती है, उस टाइप में ये चलती है। अच्छा, ये डेकोरेशन वगैरह के लिए यूज होती है। ये 200 रूपए पैकेट है, एक पैकेट में 100 पीस है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट के लिए, तिड़वा के लिए, कोई किसी की लूट रहती है। अच्छा, इस टाइप में चलती है। इस टाइप में चलती है तो 200 रूपए का पैकेट आ जाएगा। कितने पीस आ जाएंगे? 100 पीस आ जाएंगे। 100 पीस आ जाते हैं तो अपने पास भवरे कंचे भी है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये जो बच्चों के आइटम है ये कितने के मिल जाते हैं भैया? आपको 52 रूपए का पैकेट है, ये 7 रूपए बिकता है। रस्सी के साथ में 10 रूपए का बिकता है ये। अच्छा, 52 रूपए का पैकेट आ जाएगा, इसमें 10 भवरे है क्या? बस 12 भवरे। 12 भवरे है दोस्तों इसके अंदर में, 1 डजन भवरे आ जाते हैं। और सिंगल पीस कितने का बिकता है? ये 7 रूपए का एक पीस बिकता है। ये देखिए दोस्तों, इस टाइप के मोम्स के आते हैं कलर्स वाले। ये देखिए, इस तरीके के भी भवरे मिल जाएंगे अपने पास। ये देखिए, ये क्या आप 12 पड़ रहे हैं अपने को? ये 84 रूपए के 12 है, 7 रूपए का एक गिरता है, ये 15 रूपए बिकता है। 7 रूपए का एक है, 15 रूपए का। फर्स्ट क्वालिटी बोलते हैं इसको, फर्स्ट क्वालिटी है। हाँ, वो सेकंड क्वालिटी। अच्छा अच्छा, ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको सारे भवरे के अंदर में भी वैरायटी मिल जाती है। ये उसकी रस्सी हो गई, माल 220 रूपए किलो आती है। ये 220 रूपए किलो दोस्तों, ये भवरे की जाली बोलते हैं इसको। देखिए, इसके अंदर में अगर भवरा लपेट कर उसको फिराते हैं तो भैया इस तरीके से सारी चीजें आपको पतंग से रिलेटेड, भवरे से रिलेटेड यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों, इस तरीके से सारा पतंगों से रिलेटेड माल आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो भैया, आपके पास कोई आता है कस्टमर तो आप उनको सारा नॉलेज जो भी देना है पतंग से रिलेटेड दे दोगे, है ना? हाँ, सब दे देंगे उनको, नॉलेज दे देंगे उनको, कितने से स्टार्टिंग करना है वो भी समझा देंगे, सब कुछ समझा देंगे, सब रेट वूट सब डाल देते हैं हम। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर विजिट करते हो तो आपको सारी जानकारी मिल जाती है। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए जल्दी से। और जो भी है आपका कुछ अगर सवाल होते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, भैया जरूर उसका रिप्लाई दे देंगे आपको। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ओके।